अच्छा नहीं यार, सारी लाइट नहीं बंद कर सकते ना। अच्छा अच्छा इन प्रीवियस चैप्टर यू लर्न हाउ टू मेक अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट शेयर द सेम टैग नेम विथ अ स्टेटमेंट लाइक दिस। कह रहे हैं कि लास्ट चैप्टर में आपने ये देख लिया था, हम ये पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, कि आप क्या करते हैं, आप ऐसे करके लिखते हैं ना, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, और आप लिखते हैं पी। तो जिस चीज़ पे क्वेरी चला रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट पे क्वेरी चला रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट करके, तो उस डॉक्यूमेंट में जितने भी पी नाम के एलिमेंट होते हैं सब उठ के आ जाते हैं। सही है, ये हम देख चुके हैं। या एक डिव के ऊपर अगर आप चला रहे हैं, तो उस डिव के अंदर अगर कोई पी होता है जितने भी, वो सब उठ के आ जाते हैं, अगर नहीं होता तो एम्प्टी एरे आ जाता है। अच्छा अब आगे क्या है, हाउ टू मेक अ कलेक्शन ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट विद अ स्टेटमेंट लाइक दिस। कह रहे हैं कि आप जो है ना ये भी देख चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट के तमाम चाइल्ड नॉड आप कैसे निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई एक आई एक डिव गेट करो या एक पैराग्राफ गेट करो, उस पैराग्राफ में जितने चाइल्ड नॉड्स हैं सारे निकाल के आप कहाँ कर दो, एक वेरिएबल में। कह रहे हैं ये भी हम देख चुके हैं। अच्छा फिर क्या देख चुके हैं, सिमिलरली यू कैन मेक अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एलिमेंट विथ स्टेटमेंट लाइक दिस। अभी आपने क्या किया, आपने कहा पैराग्राफ वन उठाओ और इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो कहाँ लाके डाल दो, इसके अंदर लाके डाल दो इस वेरिएबल में। ठीक है, तो एक पैराग्राफ पे क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है पॉसिबली, उसकी आईडी होगी मोस्ट प्रोबली, उस पर कोई ना कोई क्लास लगी हुई होगी। ठीक है, उसका विर्थ हाइट भी एट्रीब्यूट के जरिए दिया जा सकता है, तो मे बी वो, तो जितने भी एट्रीब्यूट इस पी वन के अंदर होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। किस सूरत में, एक एरे की सूरत में आ जाएंगे मोस्ट प्रोबली। अच्छा फिर लिस्ट के ऊपर डॉट लेंथ लगाएं, क्योंकि ये एरे है तो डॉट लेंथ जो है इसके ऊपर आपको मिल रहा होगा, कितने एट्रीब्यूट्स हैं आपको वो भी पता चल रहा होगा। तो ये वो सारी बातें इसने बताई है जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा अल्टरनेटिवली कह रहे हैं कि इसी चीज़ का अल्टरनेटिव जो है, यानी पहले मैंने एट्रीब्यूट को एक वेरिएबल में रखा था फिर लेंथ लगाया था, कह रहा था डायरेक्ट भी यहाँ लेंथ लगा देंगे तो भी, ये भी आप सब लोग जानते हैं बात, कि एरे के ऊपर एट्रीब्यूट तक लिखा था ना उसने, तो कह रहा है यहीं पर डॉट लेंथ लगा देंगे तो मुझे क्या दे देगा, ये डायरेक्ट नंबर दे देगा। मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या बना है, दो वेरिएबल बने हैं ना, पहले लिस्ट बनी उसके अंदर मैंने सारी सारे एट्रीब्यूट रखे हैं पहले, उसके बाद उस पर लेंथ लगाया उस लिस्ट के वेरिएबल पर। लेकिन मैं ये काम डायरेक्ट भी कर सकता था, मतलब यहीं पर ही डॉट लेंथ लगा दूँ तो मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगी। तो अभी तक कोई नई चीज़ इस चैप्टर में अभी तक नहीं पढ़ाई है, पुराने जो पढ़ चुके हैं वही बता रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं। अच्छा यूजिंग एरे लाइक नोटेशन यू कैन फाइंड आउट द नेम ऑफ एनी एट्रीब्यूट इन द कलेक्शन। कह रहे हैं कि एरे लाइक नोटेशन जो है ना, एरे लाइक नोटेशन का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, दिस इज एरे लाइक नोटेशन। इसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कलेक्शन के अंदर आप कोई एट्रीब्यूट गेट कर सकते हैं। अच्छा क्या है भाई, फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब नीचे जो बात इसने लिखी हुई है वो क्या है, टारगेट द थर्ड आइटम इन द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड असाइन इट्स नेम द वेरिएबल नेम, वेरिएबल एन नेम। अच्छा इसने क्या कहा, जो लिस्ट ऊपर अभी गेट की थी ना हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर, मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट में जितने पैराग्राफ हैं सारे उठा के ले आओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने पैराग्राफ हैं सारे उठा के ले आओ, सॉरी उसके एट्रीब्यूट उठा के ले आओ। राइट, वापस हमें ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ ये रख, एक पैराग्राफ के अंदर जितने एट्रीब्यूट हैं वो उठा के ले आओ, लिस्ट के अंदर हमने ये डाला था। अच्छा तो इस लिस्ट के ऊपर अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिस्ट जो है एक एरे है, उसके ऊपर मैं नॉट नेम लगा के क्या कर सकता हूँ, उसका नाम गेट कर सकता हूँ। ये नॉट नेम भी हम एक्चुअली पढ़ ही चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ द मार्कअप, अगर ये मार्कअप है, इस पर कितने एट्रीब्यूट हैं, एक दो और तीन, ये तीन एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, अच्छा द वेरिएबल एन नेम इज असाइंड ऑन माउस ओवर। ठीक है, हमने कौन सा बोला था इसको, लिस्ट में से 0 1 2 यानी तीसरा एलिमेंट उठाओ और तीसरे एलिमेंट का क्या लिखो, तीसरे एलिमेंट का मुझे नॉड नेम बताओ। तो ये जो तीसरा एलिमेंट था, ये नॉड जो था, हमने लास्ट क्लास में एक डायग्राम बनाकर देखी थी कि एक एलिमेंट होता है उसके अंदर टेक्स्ट होता है तो वो एक नॉड होता है। ठीक है, तो इसी तरह किसी एलिमेंट के अंदर जितने एट्रीब्यूट होते हैं वो हर एट्रीब्यूट भी एक नॉड होता है एक्चुअली। ठीक है, तो उस नॉड के अंदर भी काफ़ी डेटा हमें समटाइम गेट करना पड़ सकता है, जैसा कि उसका नाम
एट्रीब्यूट का नाम, तो यहाँ पे उन्होंने एट्रीब्यूट का नाम गेट किया है। अच्छा, अगर उसकी वैल्यू गेट करनी है उसी एट्रीब्यूट की, तो मैं क्या लगाऊंगा, नॉट वैल्यू लगाऊंगा उसकी जगह पर, ठीक है। और भी नॉट के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मिसाल के तौर पर नॉट में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके चाइल्ड नॉट्स, उसका पेरेंट नॉट, मैं सब वो गेट कर सकता हूँ, है। हाँ, नेक्स्ट सिबलिंग होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सिबलिंग ये जितने भी हैं, जैसे चाइल्ड नॉट, पेरेंट नॉट, नेक्स्ट सिबलिंग, ज़रूरी नहीं है कि इसका भी कोई चाइल्ड हो। मिसाल के तौर पे ऑन माउस ओवर जो है, इसका मजीद कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। यह हो सकता है वो देखना पड़ेगा। तो हमेशा मुझे चाइल्ड नॉट नहीं मिलेगा, कभी एम्प्टी भी मिलेगा मुझे चाइल्ड नॉट, ठीक है। नेक्स्ट सिबलिंग जो है, अगर इसका मजीद आगे कोई सिबलिंग नहीं है नेक्स्ट, तो मुझे वो एम्प्टी मिलेगा। तो एम्प्टी भी मिल सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ होंगी सारी इसके अंदर। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ नॉट वैल्यू की जगह, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ पेरेंट नॉट। तो पेरेंट नॉट में मुझे क्या मिल जाएगा, ये पी का पूरा एलिमेंट मिल जाएगा, दिस इज़ द पेरेंट नॉट, ठीक है। तो नॉट वाली सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इन द एग्जाम्पल अबव द वेरिएबल एन वैल्यू इज असाइंड विथ दिस स्ट्रिंग, ठीक है। कह रहा है इस, अगर नॉट वैल्यू लिखूंगा मैं, तो उसको क्या मिलेगा, वो इस इतनी वैल्यू को उठा लेगा और उठा के वेरिएबल में डाल देगा, ठीक है। हमें वैल्यू भी गेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे हम ये चेक करना चाहते हैं कि किसी पैराग्राफ के ऊपर जो क्लास का एट्रीब्यूट है उसके अगेंस्ट उसमें क्या लिखा है, उसको हम गेट कर सकते हैं। फिर उस पर इफ एल्स लगा के हम उसकी क्लास को चेंज करना चाहते हैं अगर, ठीक है, कि पहले रेड था तो अभी उसको ग्रीन कर दो, या पहले ग्रीन था तो अब उसको ब्लू कर दो। इस तरह की चीज़ें हमें करने की ज़रूरत मोस्ट प्रोबेबली पड़ सकती हैं एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। अच्छा, तो ये हमने एक देख लिया। इसमें हमने क्या देखा, एट्रीब्यूट को हैंडल करना सीखा। एडिंग नॉट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं वो असल में सारी तमहीदी गुफ्तगू थी इस बात को पढ़ाने के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे लिस्ट का, डॉम वाले का। एडिंग नॉट्स, सही है, पहले नॉट का पूरा चक्कर समझाया, पूरा चार्ट समझाया, और अब ये असल बात ये आ रही है जो बहुत क्रिटिकल है और सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, नॉट को ऐड करने की, नए एलिमेंट क्रिएट करने की। अभी तक हमने जो HTML लिखी थी वो हमने डायरेक्ट HTML की ज़ुबान में लिखी थी, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि डायनेमिकली मैं HTML जनरेट करूँ, तो क्या ये काम हमने पहले किया था? मैट्रिक्स में किया था, डायनेमिकली हमने HTML क्रिएट किया है आज तक, बिल्कुल किया है, लेकिन वो इनर HTML के ज़रिए किया है। इनर HTML जो है वो स्लो है थोड़ा, ठीक है। इनर HTML में क्या होता है, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता उसको वो अपडेट नहीं करता, तो थोड़ा सा उसके मसले मसाइल हैं। तो ये उसका करने का प्रॉपर तरीका है जो एड नॉट के। मिसाल के तौर पर मेरे पास डेटाबेस से, आप जैसे फेसबुक है ना, एक फेसबुक जब खोलते हैं तो उसमें शुरू में तो कोई पोस्ट नहीं होती, एम्प्टी होता है। फिर पेज खुलने के एक सेकंड या आधे सेकंड बाद डेटाबेस से पोस्ट आती है उठ के सारी, और फिर स्क्रीन पर रेंडर हो जाती है। फिर आप स्क्रॉल करते हैं तो एक पॉइंट पे जाके वो पोस्ट ख़त्म हो जाती है। फिर लोडर घूमता है छोटा सा चुन्ना सा, फिर वो मज़ीद डेटाबेस से डेटा ला के और वहाँ पर उसको रेंडर कर देता है एज अ पोस्ट। तो ये जो HTML है ये डेफिनेटली जनरेट की जा रही है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए डायनेमिकली पहले से। तो यानी फेसबुक का जो पेज है HTML का, उसमें ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि इतनी सारी पोस्ट का पहले ही HTML लिख के रख दिया हो। मैं दिन में 10 पोस्ट करता हूँ, हज़ारों लोग हज़ारों पोस्ट करते हैं दिन में, तो क्या उन्होंने बंदा कोई बिठाया हुआ है कि हर पोस्ट के लिए वो HTML लिखे? नहीं, वो पोस्ट क्या होती है, डेटाबेस में जाके सेव हो जाती है। जब मैं फेसबुक खोलता हूँ तो मेरे पास वो डेटाबेस से जेसन उठ के आता है, और मेरी स्क्रीन पर जो HTML रेंडर होता है वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, जावास्क्रिप्ट में पहले से कोड लिखा हुआ है कि डेटाबेस से जब ये चीज़ आए तो ऐसे HTML बना के उसमें अंदर ये लगा देना। तो हमें लगता है कि पोस्ट की तरह दिख रहा है वो, लेकिन होता असल में वो जेसन है जो डेटाबेस से उठ के आ रहा है, ठीक है। तो हमारे केस में अगर डेटाबेस से मेरे पास 200 पोस्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा असल में, एक एरे आ रहा है जिसमें क्या है 200 ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट एक पोस्ट है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, टाइटल है उसका, टेक्स्ट है उसकी, इमेज है पोस्ट की, प्रोफाइल पिक्चर है उसका, नाम है जिस बंदे ने पोस्ट किया, पोस्ट का टाइम है कि कितने बजे पोस्ट हुआ है, ये इस पर कितने कमेंट्स इस वक्त हैं उसका एक अलग एरिया है, उसको कौन कौन लोग लाइक कर चुके हैं उसका एक अलग एरिया है,
200 मेरे पास ऐसे आइटम आ गए, एक एरे आ गया जिसमें 200 ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट पोस्ट है। मेरे पास ये आ चुका है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन कहाँ से आया? डेटाबेस से। डेटाबेस लाइक हम एपीआई कॉल कर चुके हैं ना, तो असल में क्या होगा, पेज लोड होगा, एक एपीआई कॉल होगी, और वो डेटाबेस से कैसे लाएगी वो अभी तक हमने देखा नहीं है। एपीआई ऑन अदर हैंड हम कॉल कर चुके हैं, ठीक है, एपीआई हम कॉल कर चुके हैं, या बल्कि ये काम तुम लोगों ने पहले भी किया है वेदर ऐप में। वेदर ऐप में मैंने एक एपीआई कॉल की कि मुझे 14 दिन का वेदर लाके दो, 14 दिन का फोरकास्ट लाके दो मुझे। ये किया है आप सब लोगों ने ओपन वेदर ऐप एपीआई के जरिए? फोरकास्ट वाला नहीं किया? चलो ये फिर असाइनमेंट इस वाले का हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे वैसे याद पड़ रहा है हमने ये किया है, वेल नहीं किया तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। करंट का किया था हमने ना। अच्छा, तो 14 दिन के फोरकास्ट वाला ना, वो अभी करना है हमें, वो मुझे उसी वक्त देना था शायद, पता नहीं मैं भूल गया हूँ। वेल तो ये ज़्यादा अच्छा मौका है। आधा अच्छा, ये असाइनमेंट में देना चाह रहा था लेकिन फोरकास्ट की हमें एपीआई नहीं मिली थी। हाँ अच्छा, कोई मसला नहीं है, हम 14 दिन के या 5 दिन के या 7 दिन का फोरकास्ट वाला ना कोई फ्री एपीआई हम तलाश कर लेंगे, ठीक है, मैं तलाश करके दूंगा आपको, वो मेरा मसला है। तो आप ये बनाएंगे इंशाल्लाह ये चैप्टर पढ़ने के बाद। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर आपने बोला कि मुझे 14 दिन का वेदर फोरकास्ट भेजो, तो वो वेदर एपीआई आपको क्या भेजेगी? एक एरे भेजेगी, और एरे के अंदर 14 ऑब्जेक्ट होंगे, और हर ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक दिन का वेदर फॉरकास्ट होगा। अच्छा, हर ऑब्जेक्ट में क्या लिखा होगा कि आज के दिन का लो हाई क्या है, और उस पर डेट भी होगी कि इस डेट का ये वेदर है, सही है? मतलब आज से अगर मैं 14 दिन का मांगता हूँ तो आज है, क्या डेट है आज? 26th August है। तो 26th August का मतलब ये है कि पहला जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें वो तो आज का ही होगा, या मे बी कल का होगा, मोस्ट प्रोबली आज का होगा। तो आज का हाई और आज का लो क्या है? फिर अगला उसमें होगा कल का, उस पर डेट, उस हर ऑब्जेक्ट में डेट होगी, एक हाई लो होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, ह्यूमिडिटी होगी, विंड का प्रेशर होगा, विंड की स्पीड होगी और विंड की डायरेक्शन होगी। इस तरह जो जो पॉसिबल चीज़ें होती हैं एक वेदर ऐप जब आप खोलते हैं आपको जो दिख रही होती है वो सब उसके अंदर होगा, ठीक है। सनराइज सनसेट कितने बजे होगा दे रहा है? 14 दिन का फोरकास्ट उसमें है या 7 दिन का है? फ्री में है वो, देखते हैं बारह। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये चक्कर चल के आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर आप ये कॉल करते हैं वेदर एपीआई, तो उसने तो आपको दे दिए 14 ऑब्जेक्ट एरे में डाल के। अब आपने उसको स्क्रीन पे क्या दिखाना है? 14 दिनों का अलग अलग कार्ड बना के दिखाना है। अब आप कैसे करेंगे वो काम? आप करेंगे ऐसे। अच्छा, अगर ये काम आज से पहले अगर मैं करता या आप करते आज की क्लास से पहले, तो आप ये करते कि आप एक इनर HTML करके ना, एक HTML बना के एक इनर HTML का पूरा टेक्स्ट तैयार कर लेते और उसको आप लूप चला के पूरे में रेंडर करवा देते। वो भी सही है तरीका, गलत नहीं है वो, लेकिन उसके अंदर थोड़े मसले मसाइल हैं, वो स्लो है। प्रॉपर तरीका ये वाला है जो हम अभी देख रहे हैं। अच्छा, तो द डॉम एडिंग नोड्स के पहले से जो एग्जिस्टिंग नोड है उसको तो हमने गेट कर लिया, उसको देख लिया, उसको चेक कर लिया, उसकी टाइप देख ली, उसके एट्रीब्यूट देख लिए। अब हमें नए नोड जावास्क्रिप्ट के जरिए क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, जनरेट करने हैं। तो वो कैसे होगा? यूजिंग द डॉम हायरार्की यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट्स एट्रीब्यूट एंड टेक्स्ट एनीवेयर इन द हेड और बॉडी सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कह रहा है जावास्क्रिप्ट के जरिए आप पूरा HTML जो आप HTML की ज़ुबान में लिखा करते थे वो पूरा HTML आप जावास्क्रिप्ट के जरिए भी लिख सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल कि आप एलिमेंट भी नए क्रिएट करें, उसमें एट्रीब्यूट भी डालें, आप उसका टेक्स्ट भी डालें, जो मर्ज़ी आपको बनाना है आप बनाते रहें, ठीक है। अच्छा, बाय द वे रिएक्ट का जो फ्रेमवर्क है वो पूरा इसके ऊपर चल रहा है, वो पूरा ये इसको यूज़ करते हुए बनाया गया है, ठीक है। उसमें उसको वर्चुअल डॉम उन्होंने अपना एक बनाया है। वेल, जब हम वो पढ़ेंगे तो वर्चुअल डॉम को डिस्कस करेंगे हम कि ये वाला जो डॉम है और जो वर्चुअल डॉम है अब आपस में इनका चक्कर क्या है, ठीक है। तो रिएक्ट असल में यही करता है, वो डॉम के जरिए अपडेट करता है पेज को रियल टाइम में रिफ्रेश करने के लिए। वेल, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ पैराग्राफ नॉट गिव इट एन एट्रीब्यूट एंड फिल इट विथ टेक्स्ट कॉन्टेंट। कह रहे हैं हम खाली पेज होगा एक हमारे पास, उसमें एक पैराग्राफ हम जनरेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, उसके ऊपर हम एक क्लास लगाएंगे
और उसके ऊपर हम एक उसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो भी उसके साथ साथ बताएंगे कि इसमें टेक्स्ट क्या रखना है. इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू इंसर्ट द पैराग्राफ अलॉन्ग विद इट्स एट्रीब्यूट एंड टेक्स्ट कॉन्टेंट इन टू द पेज. कह रहे हैं कि इस चैप्टर में तो हम सिर्फ उस पैराग्राफ को बनाएंगे, उसको पेज पर डिस्प्ले नहीं करवाएंगे. अगले चैप्टर में ना वो जो पूरा हमने पैराग्राफ बनाया है उसको हम पेज पर डिस्प्ले कैसे करवाना है वो भी देखेंगे. ठीक है, बॉडी जो है बॉडी के अंदर उसको पुट कैसे करना है वो अगले चैप्टर में कह रहे हैं देखेंगे. इस चैप्टर में कह रहे हैं सिर्फ बनाएंगे. तो क्या करेगा ये बनाने के लिए भाई? देखो, ये इसने फंक्शन कॉल किया है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और एलिमेंट का नाम लिखा पी. सही है, एलिमेंट का इसने नाम लिख दिया और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया. क्रिएट एलिमेंट ने एक नया एलिमेंट बना के रिटर्न किया और वो कहाँ आके सेव हो गया? इस वेरिएबल के अंदर आके सेव हो गया. ठीक है, इसमें कोई इशू तो नहीं है. जैसे हम HTML से गेट करके मंगवाते थे ना, वेरिएबल में लाके स्टोर करते थे, ये अब हमने HTML से क्वेरी करके मंगवाया नहीं है. वो अभी हमने खुद बनाया है अपना एलिमेंट और उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ. जी अभी तो आईडी नहीं डाली ना हमने, अभी जस्ट पैराग्राफ क्रिएट किया है, वेरिएबल में डाला है. अभी आईडी भी इस पर डालेंगे. ये आईडी देखते हैं इसमें कैसे ऐड होगी. अच्छा, अब इस पैराग्राफ के ऊपर एक पैराग्राफ का एलिमेंट बन के खड़ा हो गया, यानी ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग इज एन एलिमेंट. ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को मिला के एक एलिमेंट होता है. तो ये उतना तो हो गया. अब इस पैराग्राफ पे क्या क्या लगा सकते हैं? आईडी, क्लास, इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं. वो एक एक करके सब करेंगे इसके अंदर. नहीं, बाद में अगर गेट करना होगा, मतलब पॉसिबल है. मैंने शुरू में ये क्लेम किया था ना कि जो जो HTML से हो सकता है वो सब यहाँ से भी हो सकता है, तो उसकी बात है. ठीक है, बात वैसे ही कह रहे हो कि जब ऑलरेडी वेरिएबल में है तो आईडी की ज़रूरत क्यों है? क्लास लगाएंगे ना तो CSS ऑटोमेटिक सारी अप्लाई हो जाएगी. ठीक है, CSS पहले से. अच्छा, CSS भी मैं इस पर बाय द वे डॉट स्टाइल करके जो मर्जी CSS लगा दूँ. ठीक है, हाँ, इसी के ऊपर ही, क्योंकि स्टाइल एक एट्रीब्यूट है ना. अगर डायरेक्ट मैं इस पर CSS लगाना चाहूँ तो स्टाइल एक एट्रीब्यूट है. एट्रीब्यूट तो मैं दे ही सकता हूँ, तो एट्रीब्यूट जो मर्जी दे दूँ, लेकिन बेहतर ये है कि उसको हम क्लास दें. ठीक है, क्लास के जरिए करेंगे. जी, अच्छा, कह रहा है ये एग्जांपल क्रिएट करेगा एक पैराग्राफ. अच्छा, अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे. HTML5 में हम जब HTML पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने ये जिक्र किया होगा आपसे. HTML5 में जैसे पी है ना, पी लिखा आपने, टैग ओपन किया, टैग क्लोज हो गया, पैराग्राफ बन गया, डिफ बन गया, H1 बन गया. अब अगर मैं लिख दूँ ना सैम, कोई ऐसा एलिमेंट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता HTML के अंदर, तो HTML5 क्या करता है उसके साथ? वो बना देता है, एरर नहीं देता, और उसकी जो उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी डिफ वाली उस पर अप्लाई कर देता है. अगर वो काम मुझे यहाँ करना हो तो मैं कैसे करूँगा? मतलब पैराग्राफ नहीं बनाना, मुझे सैम के नाम से एक टैग बनाना है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? सैम लिख दूंगा, जैसे पी लिखा है वैसे सैम लिख दूंगा. तो जो मैं नाम लिखूंगा ना, उस नाम का टैग बन जाएगा इस जगह पर. ठीक है, और HTML5 के अंदर ये चीज़ अलाउ है कि आप किसी भी नाम से टैग बना दें. आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप सेक्शन लिखें, हेड लिखें, फूटर लिखें, अपना नाम लिख दें, किसी भी नाम से टैग आप बनाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल है और डिव वाली प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई हो जाती है. हाँ, कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा सेक्शन होंगे तो फिर दोनों आ जाएंगे. आईडी की ज़रूरत मे भी पड़ सकती है. हाँ, एक ही है तो फिर तो मसला नहीं है ना. अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई अगर आपको IMG का एलिमेंट क्रिएट करना हो तो आप क्या लिखेंगे इसमें? IMG लिख देंगे. IMG क्रिएट हो गया, अभी तक डिस्प्ले नहीं किया स्क्रीन पर, अभी जस्ट बनाया है. अभी डिस्प्ले कैसे होगा वो अगले चैप्टर में, लेकिन ये समझ में आ रहा है, ये बन के इधर आ गया. सही है, और देख लेते हैं आगे. अच्छा, अब ये जो नॉड थी मेरी, ये जो मेरा एलिमेंट था जो मैं तैयार कर लिया मैंने, उसके ऊपर मैंने क्या लगाना है? एक अदद एट्रीब्यूट ऐड करना है. तो मैं इस पर क्या लिखूँगा? सेट एट्रीब्यूट क्लास इक्वल्स टू रेगुलर. क्लास दिया और उसकी वैल्यू दे दी रेगुलर. अच्छा, स्पेस से सेपरेट करके मैं एक से ज़्यादा भी दे सकता हूँ, तो अगर मुझे रेगुलर के साथ साथ रेड भी देना होता तो मैं क्या करता? रेगुलर स्पेस रेड. ठीक है, तो
स्पेस से सेपरेट करके आप एक दो तीन चार क्लासेस भी दे सकते हैं आप, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो हमने क्लास अप्लाई करना सीख लिया, आईडी भी एक एट्रीब्यूट है तो आईडी भी इसी तरह डलेगी, स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है तो वो भी इसी तरह डलेगा, जो भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं सारे वो सब इसी तरह डलेंगे। अच्छा, एक और इसने सेट एट्रीब्यूट दिया बॉर्डर, कि इमेज के ऊपर एक एट्रीब्यूट बॉर्डर भी लगाया जा सकता है। बाय द वे ये रेकमेंडेड नहीं है, ये CSS के जरिए करना चाहिए, लेकिन इसने एग्जांपल के तौर पे बताया कि भाई बॉर्डर इक्वल्स टू वन, तो एक पिक्सल का बॉर्डर बन के आ जाएगा वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद इसने क्या किया, एक तो बना लिया पैराग्राफ का एलिमेंट, एक तो बना लिया इमेज का एलिमेंट, एलिमेंट अब हो गया बन के तैयार। अब इसने क्या किया, बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नॉड, क्रिएट टेक्स्ट नॉड, क्योंकि पैराग्राफ एक अलग नॉड है, उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट एक अलग नॉड है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने वो क्लास मिस कर दी थी पिछली वाली, तो वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिले लिंक तो ग्रुप में पूछ लेना किसी से कि कौन सा वाला है। अच्छा, तो अब इसने क्या किया, क्रिएट टेक्स्ट नॉड एक बना लिया, जिसको कहाँ पुट करने लगे हैं, जिसको हम पुट करने वाले हैं पैराग्राफ के अंदर, ताकि जब पैराग्राफ क्या हो जाए, पॉपुलेट हो जाए टेक्स्ट से। अभी पैराग्राफ खाली है, अभी उसके अंदर कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, तो उसमें थोड़ी पॉपुलेशन ऐड कर दें हम, टेक्स्ट से उसको पॉपुलेट कर दें। अच्छा, द स्टेटमेंट अबव क्रिएट द टेक्स्ट नॉट विद द कॉन्टेंट ऑफ हेलो, ठीक है, हेलो करके थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दिया। अच्छा, अब इसने क्या बोला, ये कौन सा नॉड है, ये वो नॉड है जो पैराग्राफ का नॉड था, ये पैराग्राफ का नॉड डॉट अपेंड चाइल्ड, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर होता है टेक्स्ट नॉड, राइट, पैराग्राफ के अंदर होता है ना, लास्ट हमने ये देखा था डायग्राम बना के पूरा, कि पैराग्राफ के अंदर चाइल्ड नॉड होता है। तो इसने बोला कि अपेंड चाइल्ड, अपेंड अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं, कौन बता सकता है, कोई भी चीज़ पहले से मौजूद है उसमें एक और ऐड कर देना, या प्लस इक्वल्स टू जो हम कहते हैं ना, प्लस इक्वल्स टू, दैट इज़ कॉल्ड अपेंड। या जैसे एरे के अंदर हम डॉट पुश लगाते हैं, तो पहले से जो होता है वो अपनी जगह रहता है, लास्ट में एक और ऐड हो जाता है, तो अपेंड का भी सेम यही मतलब होता है। अपेंड चाइल्ड का मतलब ये है कि इस नॉड में जो कुछ पहले से है वो क्या हो जाए, वो अपनी जगह पे रहे, और आखिर में जो हमने ऐड किया ये ऐड हो जाए। जाहिर है, हो सकता है पैराग्राफ में पहले से कुछ नॉड्स हों, मे बी, अभी तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन हो सकता है कुछ हो, तो वो अपनी जगह रहेगा, उसके आखिर में ये वाला ऐड हो जाएगा जो हम अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने अपेंड कर दिया, अब अपेंड करने के बाद ये जो नॉड था इसमें क्या हो गया, टेक्स्ट भी पॉपुलेट हो गया। अभी तक स्क्रीन पर डिस्प्ले हमने नहीं करवाया, वो अगले चैप्टर में। द स्टेटमेंट अबव एड द न्यू टेक्स्ट नॉड वोज कॉन्टेंट इज पैराग्राफ नॉड। नाउ वी हैव अ न्यू पैराग्राफ नॉड विद अ क्लास एट्रीब्यूट एंड सम टेक्स्ट रेडी टू इंसर्ट इन द पेज। कह रहा है अभी हमारे पास क्या आ चुका है, ये नॉट टू ऐड का जो वेरिएबल था ना, इसके अंदर एक पैराग्राफ आ चुका है, उसमें कुछ एट्रीब्यूट लगा दिए, उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दिया है, अब ये रेडी है स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम स्क्रीन पे इसको कैसे डिस्प्ले करवाते हैं ये, और ये हमारा डॉम का आखिरी चैप्टर है, यानी ये इंसर्ट करना और इसके अंदर सिखा के ये ख़त्म करना है। अच्छा, यहाँ पे ना ये काम देखो पूरा पूरे तरीके से हो रहा है, इंसर्ट करने का काम ना यहाँ पे कैसे हो रहा है। इसने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिव नंबर वन, डॉक्यूमेंट के ऊपर पहले से एक डिव था। अच्छा, डिव नहीं होता तो बॉडी गेट कर ले, बॉडी तो होता ही है ना डॉक्यूमेंट में, हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था, बॉडी अगर हम नहीं बनाते तो गूगल क्रोम खुद से बॉडी बना देता है, ठीक है, तो बॉडी तो हो गई। तो अभी इसने डिव वन उठाया, लेकिन डिव वन की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट पे डायरेक्ट भी मैं डॉट अपेंड कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब अगर ये डिव भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बॉडी पे भी कर, डॉक्यूमेंट पे भी कर सकता हूँ। वेल, तो अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा जो HTML का पेज था उसके ऊपर डिव वन के नाम से एक बात HTML में ही लिखी हुई थी पहले से, मैंने उसको उठा लिया और इसको किस वेरिएबल में डाला, पेरेंट डिव के नाम से एक वेरिएबल बना के उसमें डाला। अच्छा, अब इस पेरेंट डिव में मैंने क्या किया, अब ये पेरेंट डिव बना के साइड पर कर लिया अभी मैंने। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो पिछले चैप्टर में किया था वो यहाँ दोबारा हो रहा है, यानी प्रॉपर पूरा तरीका, क्रिएट एलिमेंट पी, ठीक है, न्यू पैराग्राफ, ये पी क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर देखो एक टेक्स्ट नॉट बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नॉट और हेलो वर्ल्ड, ये पैराग्राफ बन गया नॉट, ये टेक्स्ट नॉट बन गया, न्यू पैराग्राफ डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें टेक्स्ट नॉट डाल दिया, पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट का नॉट डाल दिया।
अच्छा फिर क्या बोला, पेरेंट डिव डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू पैराग्राफ, वो पूरा पैराग्राफ उठा के किसमें डाल दिया, डिव नंबर वन के अंदर अपेंड करवा दिया। जी एक से ज़्यादा टेक्स्ट मतलब, हाँ देखो लाइन नंबर फोर में लिखा हुआ है ना न्यू पैराग्राफ डॉट अपेंड चाइल्ड, तो लाइन नंबर फोर में जो बात लिखी हुई है ना अपेंड चाइल्ड, वो दो दफ़ा चला दोगे आप, तीन दफ़ा चला दो, अपेंड चाइल्ड करने आपको मना नहीं करेगा, ये पीछे वाले को डिलीट नहीं, अपेंड का तो मतलब ही यही है ना कि जो पहले से है वो अपनी जगह रहेगा। मिसाल के तौर पर लाइन नंबर फोर में मैंने अपेंड चाइल्ड लिखा और एक टेक्स्ट नॉट डाल दिया उसमें, अब मैं लाइन नंबर फोर के बाद इसको एक और कॉपी बना लूँ इसकी, ठीक है, लाइन नंबर फाइव में भी यही बात लिख दूँ अपेंड चाइल्ड और उसमें एक दूसरा टेक्स्ट नॉट डाल दूँ तो उसको भी ऐड कर देगा। जी अच्छा, ये दोस्त ने कहा कि अगर यहाँ पे जो एक टी लिखा हुआ है इसमें कॉमा लगा के दूसरा टी लिख दूँ तो क्या ये काम करेगा, तो इसके लिए मुझे क्या देखना होगा, अपेंड चाइल्ड का मुझे डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है, अपेंड चाइल्ड की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो क्या कॉमा डाल के मुझे दूसरा आइटम अलाउ करती है, तो ये मेरे पास आ गया एम डी एन नहीं आया, हाँ ये रहा, ये मेरे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई अपेंड चाइल्ड की, तो हम इसको देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका जो है ना वो एक चाइल्ड ही है, ठीक है, दूसरा पैरामीटर इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, तो मैं कॉमा डाल के इसका मतलब है कि नहीं दे सकता कुछ, कॉमा डाल के मैं दूसरा आइटम इसको नहीं दे सकता, कह रहा है कि ए चाइल्ड में पैरामीटर में क्या चाहिए, द नॉट टू अपेंड द गिवन पेरेंट कॉमनली एज एन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट और नॉट असल में ये कह रहे हैं एक ही चीज़ है, वो हमें चाहिए यहाँ पे एक पैरामीटर चाहिए, दूसरे पैरामीटर का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं किया है उन्होंने, तो मतलब है दूसरा पैरामीटर मैं नहीं दे सकता। अच्छा अब एक देखो इसमें एक बात और भी हो सकती है कि यार डॉक्यूमेंट में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन दे के ट्राई करता हूँ, क्या पता ले ले, क्या ही करना चाहिए हमें, नहीं करना चाहिए, सही है, टाइम ज़ाया होता है इससे, मैं कितनी चीज़ें तुक्के मारूंगा यार, ठीक है, मैं इस तरह तुक्का मारने में बैठ गया तो इसमें टाइम ज़ाया होता है, तो डॉक्यूमेंट में जो चीज़ लिखी हुई है ना पहले उसको एज इट इज़ फॉलो करो, तुक्के लगाने की बिला वजह ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे तुमने पूछा ना मुझसे कि क्या कॉमा डाल के ले लेता है, मैंने कहा यार बात तो लॉजिकल है, क्या पता ले लेता हूँ, तो मैंने जल्दी से आके देख लिया। हाँ जी जी बहुत अच्छी बात की आपने, कह रहे हैं कि कुछ ब्राउज़र तो इंटेलिजेंट होते हैं जैसे गूगल क्रोम है, तो कॉमा डाल के दिया उसने चला दिया, पता चला दूसरा पुराना ब्राउज़र है वो ठंडा हो गया, उस पर नहीं चलेगा, वो इंटेलिजेंट नहीं है वो, तो इसलिए डॉक्यूमेंट को एज इट इज़ फॉलो करने का ये भी बेनिफिट है कि जाहिर है वो क्योंकि क्या उसको कहते हैं एस्टैब्लिश एक डॉक्यूमेंट है ना, जब ही तो MDN पे लिखा हुआ है वो, तो सब ब्राउज़र पे चलेगा। अच्छा बाय द वे इस MDN के डॉक्यूमेंट के नीचे, हर डॉक्यूमेंट के नीचे ब्राउज़र की कॉम्पैटिबिलिटी का भी जिक्र होता है कि ये जो बात इन्होंने लिखी हुई है ये कौन कौन से ब्राउज़र पे सपोर्टेड है और मिनिमम वर्जन उसका क्या है। मिसाल के तौर पे ये जो कोड लिखा हुआ है अपेंड चाइल्ड वाला, गूगल क्रोम का वर्जन 1 जो था, अभी गालबन 197 चल रहा है वर्जन इसका, 1 होना चाहिए मिनिमम, एज का जो है वो वर्जन 12 होना चाहिए, इससे पुराना होगा तो ये कोड काम ना करे शायद, ठीक है। फायरफॉक्स का भी 1 है, ओपेरा का 7 है, सफारी का 1.1 है, ठीक है जी, और क्या है हमारा, सैमसंग इंटरनेट 1 है, वेब व्यू एंड्रॉयड 4.4। वेब व्यू वो होता है एंड्रॉयड के फ़ोन में, एक तो गूगल क्रोम खुलता है ना, उसके अलावा भी एक खुलता है, हाँ किसी ऐप वगैरह के अंदर जब खुलता है ना तो एक अलग तरह का ब्राउज़र खुलता है, दैट इज़ कॉल्ड वेब व्यू, ठीक है, मोबाइल ऐप के अंदर जो ब्राउज़र खुल रहा होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते, बस एक सिंपल URL आ रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेब व्यू। तो ये उन्होंने कॉम्पैटिबिलिटी भी डिस्कस की हुई होती है कि जो हमने बात लिखी है ये इन डिवाइसेस पे या इन ब्राउज़र पे ये चल जाएगा। जैसे मैं अगर कोई बहुत नया वाला लिख दूँ ना इसमें, जैसे कैनवस वगैरह का कोई मेथड लिखूँ, तो आप देखेंगे कुछ ब्राउज़र में वो सपोर्टेड नहीं होता, या ES6 की कोई चीज़ लिखूँगा तो कुछ ब्राउज़र में वो सपोर्टेड नहीं होती, ठीक है, मतलब जैसे गूगल क्रोम बोलेगा यार 197 ही होना चाहिए, अभी क्या चल रहा है भाई, देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है गूगल का वर्जन हमारा, गूगल क्रोम हेल्प, नो नॉट द हेल्प, अबाउट कहाँ है इसका, अबाउट गूगल क्रोम, अच्छा अभी चल रहा है वर्जन 104, तो उन्होंने बोला यार वर्जन कम से कम ना 102 होना चाहिए जब ये चलेगा, तो आप थोड़ा सा उसको पता चल जाता है आपको कि अच्छा यार ये गूगल क्रोम में भी चीज़ रिसेंटली आई है, तो बाकी ब्राउज़र में फिर क्या हाल होगा, तो वो भी आप देखते हैं फिर बाकी में क्या हाल है। तो ये हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली जी।
डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट मॉडल. नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा. असल में ये जो मेथड है ना, डॉम के जो मेथड है सारे, वो डॉक्यूमेंट पे ही मिलते हैं आपको. सही है, क्योंकि डॉम के मेथड है ना, डॉक्यूमेंट के मेथड है वो, तो वो डॉक्यूमेंट डॉट करके मिलते हैं. लेकिन ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करने से ना डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो बना के आपको दे देगा. डॉक्यूमेंट में चेंज जब आएगा जब आप अपेंड करेंगे उसको. जी हाँ हाँ हो जाएगा डिस्प्ले. ये कोड एज इट इज में चलाऊंगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा. देखो दोबारा से समझा रहा हूँ क्या किया है. लाइन नंबर वन में एक डिव उठा के रखा, पहले से एचटीएमएल पे मौजूद था, वो डिव उठा लिया, वो डिव उठा के एक वेरिएबल में साइड पे कर लिया. अच्छा फिर बनाया एक न्यू पैराग्राफ, सही है, उसको एक वेरिएबल में रख लिया. फिर बनाया एक न्यू टेक्स्ट नोड, उसको एक वेरिएबल में रख लिया. फिर जो पैराग्राफ बनाया था उस पर बोला अपेंड चाइल्ड करो और टेक्स्ट नोड उसमें डाल दिया. अब ये पैराग्राफ टेक्स्ट के साथ तैयार हो चुका है. पहले पैराग्राफ था ही नहीं ना, पैराग्राफ ही नहीं था पहले, तो पैराग्राफ बनाया लाइन नंबर टू में. इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो न्यू पैराग्राफ लाइन नंबर टू पे जो बनाया है, उसके बाद लाइन नंबर थ्री में इस पैराग्राफ पे कोई एट्रीब्यूट ऐड किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया फिलहाल इन्होंने. ठीक है, इन्होंने एक टेक्स्ट बनाया, टेक्स्ट को इसके अंदर डाला पैराग्राफ के अंदर. अब पैराग्राफ क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है पूरा, टेक्स्ट वेक्स्ट सब लग गया उसके अंदर. और उसके बाद क्या किया, जो डिव शुरू में उठाया था उसमें इसको अपेंड करवा दिया. उस डिव में अगर कोई पीस पहले से चीज़ होगी तो वो अपनी जगह पे रहेगी, उसके आगे ये आ जाएगा जो हमने डाला है अभी. ठीक है, इस कोड को अगर आप एज इट इज चला के देखेंगे तो ये चल जाएगा आपके पास. अच्छा अब ज़रा देखते हैं इस चैप्टर में हमारे पास आगे क्या है. अच्छा एक इसने बात और की भी है, कह रहा है व्हेन यू ऐड अ नोड टू योर वेब पेज बाय अपेंडिंग एज इट्स चाइल्ड टू अ पेरेंट एज आई डिड इन द एग्जाम्पल अबव. कह रहा है इस तरह करके जब आप करेंगे ना जैसे मैंने किया है तो क्या होगा, द लिमिटेशन इज दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर वेयर द न्यू एलिमेंट लैंड अमंग द पेरेंट्स चिल्ड्रन. क्योंकि अपेंड हुआ है ना, अपेंड में क्या होता है कि भाई डिव एक मैंने पैराग्राफ तैयार किया उसको मैंने बोला डिव वन के अंदर अपेंड कर दो. अब डिव वन के अंदर पहले क्या है, पहले क्या क्या कुछ है, तो वो कहीं पे भी लैंड हो जाएगा. ये कह रहा है ऐसा, ठीक है, अपेंड का मतलब ऐसे होता है आखिर में ऐड करो, लेकिन ये कह रहा है कहीं पे भी लैंड हो जाएगा. अब क्या करें, जावास्क्रिप्ट ऑलवेज प्लेस एट द एंड. अच्छा एंड का भी जिक्र कर दिया, ठीक है, कह रहा है एंड में ही होगा हमेशा. सो फॉर एग्जांपल इफ़ द डिव इन द एग्जांपल अबव ऑलरेडी हैज थ्री पैराग्राफ, कह रहा है जो डिव हमने शुरू में उठाया था उसमें पहले से तीन पैराग्राफ हैं, तो आपका पैराग्राफ क्या बनेगा, चौथा. अच्छा Even if you'd like to place it in a higher position, कह रहे हैं आप उसको higher position पर कैसे ला सकते हैं अगर आप चाहें. मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने div उठाया था उसमें जो मैं नया paragraph डाल रहा हूँ वो पहले से जो तीन है ना चौथे number पर नहीं आए, पहले number पर आए या दूसरे पर आए या तीसरे पर आए, तो अब मैं क्या करूँ. ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने एक थोड़ा सा तरीका ये भी बताया था. अच्छा कह रहे द सोल्यूशन इज इंसर्ट बिफोर, कह रहे अपेंड चाइल्ड के अलावा एक ऑप्शन और भी होता है कि इंसर्ट बिफोर भी कॉल कर सकते हैं आप. अपेंड तो हमेशा आखिर में करेगा, लेकिन इंसर्ट बिफोर क्या करेगा, आप एक ख़ास पैराग्राफ का नाम बताएंगे, आप एक ख़ास एलिमेंट का नाम बताएंगे, आप उसके एक ख़ास चाइल्ड का नाम बताएंगे, उसके बाद करेगा वो या उससे पहले. इंसर्ट बिफोर इंसर्ट आफ्टर दोनों हैं. ठीक है, अच्छा अच्छा तो क्या कह रहा है ये, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल है, सपोज इमेजिन करें आप यू वॉन्ट द पैराग्राफ टू बी द फर्स्ट वन इन द डिव रेदर देन द लास्ट. कह रहे आप चाहते हैं पहले नंबर पे आए, भाई पहले से तीन है तो क्या हुआ, मुझे पहले नंबर पे चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे पैरेंट डिव उसी तरह उठाया जैसे पहले उठाया था, न्यू पैराग्राफ उसी तरह बनाया जैसे पहले बनाया था, टेक्स्ट का नोट बिल्कुल उसी तरह बनाया जैसे पहले बनाया था, न्यू पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट को डाला अपेंड किया वो भी उसी तरह किया, लेकिन अब जो तैयार हुआ हुआ पैराग्राफ है उसको डॉक्यूमेंट पे थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से डाला जा रहा है. क्या किया जा रहा है, करा ये इसने बोला पैरेंट डिव का फर्स्ट चाइल्ड उठाओ. पैरेंट डिव जो मैंने गेट किया था ये क्या था, एक नोड था, हर नोड के पास अपने चाइल्ड मौजूद होते हैं सारे, तो इसने बोला भाई पैरेंट डिव का ना फर्स्ट चाइल्ड उठा के एक वेरिएबल में कर लो. अच्छा फिर बोला कि पैरेंट डिव डॉट इंसर्ट बिफोर, उसके बाद
पैराग्राफ दिया कि इंसर्ट क्या करना है, और उसके बाद वो चीज़ बताई कि किससे पहले करना है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उससे पहले ही उसको इंसर्ट कर देगा। सही है। हाँ, कोई भी, यानी कोई रेफरेंस यहाँ पे दे दिया कि अच्छा यार इस वाले डिव से पहले उसको ऐड कर दो, तो वो कर देगा। सही है। अच्छा, इसकी ज़रूरत जब भी हम यूज़ करेंगे, जब इसकी ज़रूरत होगी। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, आखिर में ही कराना है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में ही अगर कराना है तो अपेंड अपेंड करते जाएंगे, होता जाएगा। ये उस सूरत में जब बीच में कहीं कराना है या शुरू में करवाना है। जी दोस्त, आईडी से भी कर सकते हैं, आईडी से भी मंगवा के रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड की बात हो रही है ना। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे पेरेंट डिफ के अंदर मुझे दूसरे पे ऐड करना होता तो मैं क्या करता, मैं फर्स्ट चाइल्ड डॉट फर्स्ट चाइल्ड नहीं करता, फिर मैं करता पेरेंट डिफ डॉट चाइल्ड नोड्स का इंडेक्स वन लिखता और उसको यहाँ पे लाके सेव करा लेता, फिर मैं यहाँ पे देता वन, वो उसके बाद कर देता है। ठीक है, ऐसे मतलब कर सकता हूँ मैं। आईडी से भी उठा लूँ तो भी ठीक है, वो भी मसला नहीं है मेरे हिसाब से, वो भी करके देख लेना वैसे कि। हाँ भाई, क्या पूछ रहे थे यहाँ से? हाँ, अच्छा, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही लिखने से ना एक मसला ये है कि ये मसला असल में ये है कि जिस शाख पे मैं खड़ा हूँ उसी को काट रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए उसको पहले अलग से किया वेरिएबल में। वैसे शायद यहाँ पे रखने से भी चलेगा, मे बी, मैंने करके नहीं देखा ये, क्योंकि डॉम के ऑपरेशन बहुत, जब क्योंकि रिएक्ट का फ्रेमवर्क पे काम कर रहा होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम में, तो ये डॉम के ऑपरेशन उसमें हमें करने नहीं पड़ते आमतौर पर। पता होने चाहिए कॉन्सेप्ट आपको कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने ये कोड शायद एक दफ़ा भी हाथ से नहीं लिखा, जो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में एक दफ़ा भी नहीं लिखा मैंने, ये पढ़ाते हुए ही किया है, आप लोगों को पढ़ाते हुए, क्लास को पढ़ाते हुए ये मैंने लिखा है, तो इसलिए इसके मैंने जो ज़्यादा डिटेलिंग मुझे इसकी नहीं पता। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, चला के देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इन्होंने, दोस्त ने सवाल किया था कि ये जो पैराग्राफ का, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसको अलग कर रहे हैं वेरिएबल में, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको यहाँ लिख दूँ, अलग करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो मैं ये बता नहीं सकता कि वो वैसे करने से वो वाकई चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि जिस शाख पे खड़े मैं उसी को काटेंगे तो मसला होगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा चला के, क्योंकि मैंने ये प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में ना ये कोड मैंने हाथ से नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा, क्योंकि रिएक्ट पे काम कर रहे होते हैं मोस्ट प्रोबली। अच्छा, और किसी का कोई सवाल था यहाँ से? जी यार, रिएक्ट तो फ्रेमवर्क है ना, फ्रेमवर्क आते जाते रहते हैं, ये कहीं नहीं जा रहा, ये अपनी जगह है। सही है, फ्रेमवर्क कल को दूसरा आ जाएगा, उसकी अप्रोच कुछ और होगी, लेकिन ये अप्रोच अपनी जगह है, ये नहीं चेंज होगी, तो इसलिए ये पता होना ज़रूरी है आपको। द एग्जाम्पल अबव, अब ये बता रहा है कि एग्जाम्पल अबव में क्या हुआ, इंसर्ट बिफोर पूरा। ठीक है, अच्छा, कह रहा है इसको करने का एक तरीका और भी था ये वाला। सही है, चाइल्ड नॉट का इंडेक्स नंबर वन, यानी पहले फर्स्ट चाइल्ड उठाया था ना, अब सेकंड चाइल्ड उठाया इसने, तो कह रहे सेकंड चाइल्ड के भी बात डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे पहले इसने इंसर्ट बिफोर क्या किया था, फर्स्ट पैराग्राफ, अब इसने क्या किया, इंसर्ट बिफोर सेकंड पैराग्राफ किया इसने, या थर्ड पैराग्राफ जो भी किया, क्या किया इसने, ये पेरेंट डिफ का इसने चाइल्ड नॉट उठाया वन। अच्छा, चाइल्ड नॉट वन का मतलब क्या उठाया इसने, पेरेंट डिफ का चाइल्ड नॉट वन, इसमें क्या मिलेगा इसको, दूसरा वाला पैराग्राफ मिलेगा, ये टारगेट उठा लिया इसने। अच्छा, फिर इसने बोला है कि पेरेंट डिव में जब इंसर्ट बिफोर करोगे ना, तो इंसर्ट बिफोर में टारगेट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग कर दिया इसने, तो ये दूसरा पैराग्राफ था, नेक्स्ट सिबलिंग किया तो क्या मिल गया, तीसरा पैराग्राफ, तो इसने बोला कि तीसरे पैराग्राफ से पहले इसको पुट करो, यानी सेकेंड नंबर पर। तो ये तुम्हारे सवाल का भी इसमें जवाब आ गया, इसने टारगेट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है, तो इस तरह भी ये कर सकता है, चल सकता है इस तरह भी। ठीक है, तो ये इसने थोड़ा सा एक वेरिएशन एक और भी बताई गया, इस तरह भी ये कर सकते हैं। अच्छा, यही चीज़ हम रिमूव चाइल्ड के साथ भी कर सकते हैं, एक और भी मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, रिमूव चाइल्ड। अच्छा, मैंने पेरेंट डिव उठाया बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले उठाया था, पेरेंट डिव मेरे पास आ गया। अच्छा, फिर मैंने कहा पेरेंट डिव का चाइल्ड नंबर कितना,
पेरेंट डिफ का चाइल्ड नंबर 3 0 1 2 यानी सेकंड इंडेक्स पे जो है वो चाइल्ड नंबर 3 है, वो उठा के मैंने एक वेरिएबल में रख लिया अलग से। फिर मैंने बोला पेरेंट डिफ डॉट रिमूव चाइल्ड और वो रिमूव वाला उठा के दिया तो उसको वो रिमूव भी कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ये तीसरा चैप्टर जो था डॉम का ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक ढूंढ के देता हूँ API वेदर फॉरकास्ट की, ओपन वेदर API प्राइसिंग, ठीक है। प्राइसिंग वाली जगह पे वो मुझे बताएगा कि क्या चीज़ फ्री में मिलती है क्या चीज़ पैसों से मिलती है, तो देखते हैं ज़रा फ्री में क्या क्या दे रहा है मुझे ये। करंट वेदर दे रहा है 3 hour forecast 5 days, ये क्या सीन है, 5 day forecast। 5 day forecast इज अवेलेबल एट एनी लोकेशन अराउंड कॉल 5 day 3 hour forecast data। यार ये क्या मतलब है, 5 day भी लिखा हुआ है 3 hour भी लिखा हुआ है। अच्छा दोबारा पढ़ते हैं, 5 day forecast इज अवेलेबल एट एनी लोकेशन ऑन द ग्लोब, इट इंक्लूड्स वेदर फॉरकास्ट डेटा विथ 3 hour step। ओके गॉट इट। 3 hour step का मतलब ये है कि जैसे 5 दिन का जो मुझे मिलेगा ना तो आवरली ही नहीं मिलेगा, वो 3-3 घंटे के बाद का मिलेगा। जैसे अगर सुबह 7 बजे का एक है तो 8, 9, 10, तो 10 बजे का अगला होगा कि 10 बजे क्या होगा वेदर, फिर 10 के बाद क्या होगा 11, 12, 1 बजे का वेदर। तो स्टेपिंग जो होगी ना उसकी वो 3-3 hour की होगी, लेकिन हमें 3-3 hour का नहीं करना, हमें 5 दिन का फोरकास्ट गेट करके ना पहले दिन का एक कार्ड बनाना है, उस पर उस दिन का पूरा हाई लो सब होगा, ठीक है। हमें ये पूरे दिन का नहीं करना, या अगर कोई कर पाए, कोई अगर कर पाए ये कि एक दिन का ऐसे पूरा टाइमलाइन चल रहा हो, ये मैं आपको दिखाता हूँ ना, इसमें वेदर की ऐप खोल के मैं आपको दिखाता हूँ टाइमलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये। चल जा भाई क्या हो गया। अच्छा ये वेदर की ऐप देख रहे हो भाइयों, सब लोग इधर देख लो यार 2 मिनट के लिए। अच्छा ये देख रहे हो ये टाइमलाइन बिल्ड हुई हुई है ये वाली, नाउ 27 degree, अभी 11 बज रहे हैं तो 12 बजे 27, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे। ये तो मुझे करंट दिखा रहा है ना, लेकिन अगले दिन का ये जो मेरे पास है ना टुडे सैटरडे संडे मंडे, देख रहे हो टुडे सैटरडे संडे मंडे, ये कितने दिन का दिखा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 दिनों का फोरकास्ट आ रहा है मेरे सामने। अच्छा इन 10 में से किसी एक दिन पे भी मैं क्लिक करूँगा तो मुझे उस दिन का क्या दिखाता है, ये पूरी टाइमलाइन दिखाता है। जैसे मैं सैटरडे पे क्लिक करता हूँ तो सैटरडे पे क्लिक करने पे मुझे क्या दिखाया इसने, ये सैटरडे की ना टाइमलाइन बनाई हुई है इसमें, ये देख रहे हो 12 AM से लेके 6 AM, फिर 12 PM, 6 PM, ये 24 घंटे की टाइमलाइन है। ये ग्राफ बना हुआ है किस चीज़ का, कि टेम्परेचर कहाँ होगा, ये ऊपर जो दिखा रहा है ना कि वेदर क्या होगा उस वक्त, प्रेसिपिटेशन वगैरह, तो इस तरह करके इन्होंने मतलब बताया हुआ है। तो हर वेदर ऐप में थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होता है ये, लेकिन टाइमलाइन बनी हुई होती है। अच्छा हाँ बस यही दिखाना चाह रहा था मैं, तो आज की तो जो टाइमलाइन वो इधर आ रही है सामने फ्रंट पे, और अगले 10 दिनों का देखना है तो उस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे दिख जाएगा वो। तो अगर किसी से ये टाइमलाइन बन जाए तो क्या ही बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें क्या चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये चैप्टर पढ़ने के बाद वो हमारी ये है कि मैं किसी भी सिटी का नाम लिखूँ, वो डेटा आएगा API से, 5 कार्ड सामने बने हुए आ जाए, पहले दिन का पहला कार्ड, दूसरे दिन का दूसरा, तीसरे दिन का तीसरा। पहले दिन के कार्ड में आप देखो ये रिस्पांस क्या देता है ना, रिस्पांस बता देता हूँ मैं क्या देता है, ये आ गया लिस्ट, इसको मैं उठा के वहाँ ले जाता हूँ ना जेसन ब्यूटीफायर पे, यहाँ तो सही समझ ही नहीं आ रहा, जेसन ब्यूटीफायर पे ले जाके ज़रा देख लेता हूँ इसमें क्या क्या मिल रहा है। अरे यार इसमें तो डेटा एरर है, क्या एरर है भाई इसमें, ऐसा क्या एरर है भाई, अच्छा हो गया वैलिडेट।
ये ब्यूटीफाई में ये कर सकता हूँ ना, मैं वहाँ नहीं कर सकता, ये कोलैप्स और ओपन कर सकता हूँ। अब देखो मुझे मिल क्या रहा है यहाँ, ये मेरा डेटा है, इसमें मुझे लिस्ट मिलेगी। नंबर वन जो मैंने खोला उसमें मुझे क्या दिया इसने, उसमें मुझे इसने बताया कि ये जो वेदर है इस, ये इस डेट का है, सही है। यानी ये लिस्ट में अभी दो दिखाया हुआ है इन्होंने, देखो दो है ना लिस्ट में आइटम, ये टोटल पाँच मिलेंगे मुझे, पाँच दिन का फोरकास्ट होगा तो पाँच मिलेंगे मुझे ये। तो पहले दिन का जो डेटा है उसमें क्या क्या है, उस दिन का डेट है, उसका मेन वेदर है, मेन वेदर में देखो टेम्परेचर, फील लाइक, प्रेशर व्रेशर ये सब दिख रहा है मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वेदर करके है कुछ, इसमें उसकी कंडीशन, क्लाउड कंडीशन वगैरह दिख रही है। उसके बाद है क्लाउड्स, क्लाउड 85% क्लाउड है, जो भी है, विंड की स्पीड डिग्री ये सब मुझे मिल गया, विजिबिलिटी कितने मीटर है वो दिख गया, ठीक हो गया। तो ये मुझे पहले दिन का मिला। अब दूसरे दिन भी मुझे यही चीज़ है, डेट है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह है, सब कुछ है। इसको मैंने बंद किया, बंद किया, ठीक है। तो ये वाला सीन है भाई, ये मुझे डेट बता रहा है ना ये वाला, कि ये वाला डेटा कौन से वाले का है, फला डेट का है। तो मोस्ट प्रॉबली मुझे पाँच नहीं होगा, ये अभी मेरे समझ में आ गया, ये पाँच नहीं होगा। ये एक दिन में तीन तीन के स्टेप से करेंगे, 24/3 कितना बना, 8 बना। तो एक दिन के लिए 8 होगा लिस्ट यूँ, उसके अगले दिन के लिए 8 होगा। तो आपको इस ये जो मिली सेकेंड में आपको टाइम दिया हुआ है ना, इससे आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन से टाइम का है। तो आपकी इसमें डेट और टाइम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। moment.js ये हम पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में थोड़ा सा, moment.js पढ़ चुके हैं ना हम थोड़ा सा, हाँ फॉर्मेट लिखते हैं हम। तो आपको असल में करना क्या पड़ेगा कि आज के दिन के जितने आ रहे हैं ना इसमें, क्योंकि तीन तीन आवर के गैप से ये दे रहा है, पाँच दिन का दे रहा है पूरा, एक ही झटके में पूरे पाँच दिन का दे रहा है, तीन तीन आवर के गैप से। तो मैं एरे पे आइटरेट करूँगा, आज के दिन का जितना है उसको उठाऊँगा, अलग करूँगा, उन सब का जो टेम्परेचर है उसका एवरेज निकालूँगा, जब ही ना मुझे पता चलेगा आज का हाई और आज का लो क्या है और एवरेज क्या है आज का। एक कार्ड कैसे बनेगा, ये इसी तरह बनेगा ना, समझ आया सब लोगों को ये क्या हो रहा है। पहले मैं ये समझ रहा था कि एक दिन का एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर एक दिन का एक ऑब्जेक्ट है तो इसमें तीन तीन आवर के गैप से होना चाहिए था ना डेटा, वो तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है, देखो समझा रहा हूँ, डेट क्या लिखी हुई है, 3/15/2022, और टाइम क्या हो रहा है, 15:00, यानी कि शाम के 3 बज रहे हैं। अब अगले में क्या है, 12:00, तो 12:00 का एक ऑब्जेक्ट मिला, 11, 12, 13 का एक ऑब्जेक्ट मिला। तो इस तरह मुझे ये पूरे 5 दिन का देगा, तीन तीन आवर के गैप से। तो मुझे एक दिन का कार्ड अगर डिस्प्ले करवाना है, तीन तीन घंटे का जो मुझे मिला है ना, तो एक दिन में कितना मिला, 24 को मैं डिवाइड करूँगा 3 से, 8। तो 8 कार्ड जो होंगे ना शुरू के 8 कार्ड, वो मुझे पहले दिन का फोरकास्ट होगा, फिर उसके बाद जो 8 होंगे वो अगले दिन का होगा, इस तरह 5 मिलेगा मुझे। तो टोटल कितना मुझे मिला, 8 × 5, टोटल मुझे 40 कार्ड मिलेंगे इस तरह के, जो अभी यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, ये 2 है, नंबर 1 नंबर 2, इस तरह के मुझे 40 कार्ड मिलेंगे जो कि पूरे 5 दिन के फोरकास्ट के लिए होंगे। तो उन 40 डेटा आइटम्स में से मुझे पहले दिन का उठाना है। अब इसमें देखो क्या मिलता है, हाई लो मिलता है ना, इसका मुझे हाई लो मिलता है ना कि भाई इस घंटे में हाई लो क्या है। वेदर के अंदर अगर आप देखो मेन में, तो टेम्परेचर ये केल्विन में बता रहा है, उसमें पैरामीटर देना पड़ता है सेल्सियस में लेने के लिए, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम ये दिख रहा है मुझे, तो पूरे 8 के अंदर मिनिमम किस में आ रहा है वो फाइंड आउट करके वो कार्ड पे डिस्प्ले कराओगे ना, ठीक है। और तो इसमें आपकी टाइम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़े लूप वगैरह की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको आखिर में इसके ज़रिए एक पैराग्राफ बनाओगे आप, या एक डिव बनाओगे, डिव के अंदर एक इमेज क्रिएट करोगे आप, इमेज के अंदर उसका SRC डालोगे। ये सब डॉम के ऑब्जेक्ट के ज़रिए होना चाहिए, ये डॉम के मेथड के ज़रिए होना चाहिए ये सारा काम। इनर HTML करता हूँ, कोई मुझे नज़र ना है इसके अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इस असाइनमेंट के साथ। किसी का कोई सवाल है असाइनमेंट को लेके, क्या पूछ रहे हो, नहीं वो तो